अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मटन जो मैंने बनाया है वो दो तरीक़ों से बनाया है। आज आपके साथ मैंने मटन लेग की रेसिपी शेयर करनी है। जो पानी आपको दिख रहा था उसमें मैंने सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल के मटन को आधे घंटे के लिए सोख कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने दही, जीरा, गरम मसाला और हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिया। मैंने इसमें पुदीना और धनिया भी ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मटन को दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ऑयल में। और अब जो है मैं यहाँ पर मैरिनेट कर दूँगी इसको और ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी। देखिए, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने मटन को जो है वो फ्राई नहीं करना, उस पर ऐसे ही यही मसाला लगा के रख देना है, वाटर में सोक करना है, उसके बाद फ्राई नहीं करना। तो ये है पहला तरीका जिसमें हम फ्राई करेंगे, दूसरे में हम फ्राई नहीं करेंगे। अब मैंने एक फॉइल ली है, ये फ्राई करने वाला जो है मैंने फॉइल में डाल दिया है। ओवरनाइट रख दिया था मैंने। दूसरे दिन मैंने इसको फॉइल में रैप करके 2 घंटे तक पकाना है मीडियम और हाई फ्लेम पर। स्टार्ट में हम हाई फ्लेम करेंगे, उसके बाद जो है हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। गरम मसाला डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद लेमन के स्लाइसेस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियानी का फूल, काली मिर्च, सौंफ, लौंग और जीरा। ये सब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर स्टीमर रख दूँगी और स्टीमर के ऊपर मैं मटन को रख दूँगी। अच्छा, पानी इतना डालेगा कि पानी ऊपर तक ना आए। मेरे पास और स्टीमर नहीं था तो मैंने यही यूज़ किया इसको फोल्ड करके। और फिर जब मैंने इसमें मटन ऐड किया तो पानी ऊपर आ रहा था, तो कोशिश करें पानी ऊपर ना आए, आप ऐसा स्टीमर लें। तो मैंने पानी को कम कर दिया और फिर जो है फिर से मटन रखा और उसमें फोक की मदद से छेद कर दिए। वो करने के बाद ये होता है कि आपका जो मटन है ना उसके अंदर तक स्टीम जाती है और फुली कुक्ड हो जाता है। तो इसे 2 घंटे तक मैंने पकाया और बहुत ही सॉफ्ट बना था। अगर पानी बीच में कम हो जाए तो आप ये कीजिएगा कि पानी ऐड करते रहिएगा, पानी को कम होने नहीं दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पहले हाई फ्लेम पर रखा और उसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कर दिया था। जब मेरा मटन फुली कुक्ड हो गया तो मटन के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, हम ड्राई पसंद करते हैं, तो मैंने ओवन में इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है ये दूसरा स्टेप है मटन बनाने का। यहाँ पर मैंने मटन को फ्राई नहीं किया, यही सेम मसाला मैंने लगा के सिर्फ इसको फॉइल और बटर पेपर में रैप किया है। यहाँ पर पहले मैंने 3 फॉइल नीचे रखी और उसके बाद 3 बटर पेपर, तो फिर मैंने उसके ऊपर मटन रख दिया। अब मैं यहाँ पर ऑनियन और पोटैटो, जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है उसको यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। मुझे ये ही अच्छे लग रहे थे ऐड करना, कि और वेजिटेबल्स फिर नहीं खाते। मैंने सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और आलू ही इसमें ऐड किए और इसको अच्छे से मैंने फोल्ड किया। अच्छा, फोल्ड आपने ऐसे करना है कि कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए और जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप इस तरीके से जो है बटर पेपर को फोल्ड किया और उसके बाद मैंने दूसरा बटर पेपर इसमें ऐड किया इस तरीके से। अब मैं तीसरी लेयर दूंगी यहाँ की साइड से जहाँ से ओपन है। अब उसके बाद जो है फॉइल की लेयर आएगी। ये जो है ना ये सिर्फ ओवन में ही पकेगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ओवन में आपको इसको 3 घंटों के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर जो है मैंने इसको फिर फॉइल्स के साथ रैप किया, वैसे ही सेम जैसे बटर पेपर के साथ किया था। अब जहाँ से ओपन है एरिया वहाँ से मैं फॉइल लगाऊंगी। मैंने 3 पार्ट फॉइल के और 3 पार्ट बटर पेपर के ऐड किए थे, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है वो फॉइल के साथ फुली कवर्ड हो चुका है और उसके बाद जो है हम इसको ओवन में डाल के इसको 3 घंटे तक रोस्ट करेंगे। फ्लेम जो है आपने ओवन का हाई फ्लेम पर ही करना है। 200 सेंटीग्रेड पर आप इसको पकाएं और उसके बाद जो है आप 3 घंटे तक इसको पकते रहना चाहिए। ये कहीं से भी नहीं जलेगी। और जब आप इसको निकालें तो प्लीज़ हाथ नहीं लगाइएगा, यह बहुत गर्म होता है। तो मैंने इसको सीजर के साथ से कट किया है और अब मैं इसको आपको अंदर पल दिखाती हूँ। ये देखिए इतना मज़ेदार बना था और दूसरी बात कि पूरा गल चुका था। उसके बाद फिर जो है मैंने इसको राइस के साथ सर्व किया। राइस जो है हम बाहर से मंगवा लेते हैं मंदी वाले और बड़े मज़े का बना था। यहाँ पर जो है मैं टेस्ट कर रही हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मैंने कहा कि बनाया तो पहले हम खा के देखें ना। तो यहाँ पर देखिए कितना गला हुआ है। मैंने सैलड भी बनाया था। सैलड में जो है हम एप्पल और अनार खाना पसंद करते हैं कैरेट और कोकम्बर के साथ। तो अनार मैं इस तरीके से छीलती हूँ, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है अभी तक वो एक एक दाना करके निकालते रहते हैं और फिर हाथ भी सारे गंदे हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो फिर उनको साफ़ होने में भी टाइम लगता है। इसलिए बस मैं इसी तरीके से अनार को छीलती हूँ और जल्दी से हो जाता है। रोज़ बच्चों को भी खिलाती हूँ, मोहम्मद हसन को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि ना बच्चे मेरे बीमार होते हैं तो मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉगिंग डेली आऊँ, डेली कोई ना कोई वीडियो डालूँ। हालांकि वीडियो बनाती भी हूँ क्लीनिंग की, बाहर जाने की, पर जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बस कोई भी व्लॉगिंग नहीं हो पाती। मोहम्मद हसन को और एहसन को दोनों को 2-3 दिन हुआ था नज़ला, उसके बाद फिर बुखार हो गया, हाई ग्रेड फ़ीवर हो गया। हाई ग्रेड फ़ीवर होने के बाद जो है बस बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। तो हसन और एहसन दोनों को हम बाहर लेके गए, थोड़ा सा माहौल चेंज किया, हम सहारा सेंटर आ गए थे। यहाँ पर मोहम्मद हसन को फर्स्ट टाइम हमने भाई के साथ ऐसे अकेले बिठाया था और मज़ा आ रहा था मोहम्मद हसन को बहुत। सीट बेल्ट भी पहना हुआ था, फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि 3 से 4 चक्कर इसने खा लिए थे। डर तो लग रहा था कि गिर ना जाए या इतनी मस्ती ना करे। फिर मोहम्मद हसन को दूसरी राइड पर लेके गए। एहसन को यहाँ पर फर्स्ट टाइम लेकर आए थे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे चलाऊं और बार बार सबका टक्कर लग रहा था। तो वो ना ऐसा है कि स्विंग में भी जाता है ना, कोई अगर आने वाला होता है तो पहले उसको जगह देता है फिर खुद जाता है। तो जैसे कोई गाड़ी आ रही थी ये स्टॉप कर लेता था। हम इसको बोलते हैं बेटा आपका टर्न है आप जाओ, नहीं फिर वो पहले दूसरे को जगह देगा फिर जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना मज़े से गोल गोल घूम रहा है। हाँ, अब इसको प्रैक्टिस हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये अच्छी चलाएगा। मोहम्मद हसन तब तक छोटी और राइड्स खा रहा था और फिर इसको हॉर्स में बिठाया। मैंने कहा इतना नहीं बिठाते वोमिट ना कर दे। माशाल्लाह से अब बच्चे ठीक हैं, दोनों बच्चे ठीक हैं अब। और फिर जो है हम घर चले गए थे। आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आती रहे।